नंबर 5 देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2, राइट द वैल्यू ऑफ ए. हम लोग ले लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो अगर हम लोग इनके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो निगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशियंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा निगेटिव ऑफ ए. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वह हो जाएगा कॉन्स्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा 8 हो जाएगा. राइट द वैल्यू ऑफ ए. ए का हमें वैल्यू यहाँ पे बताना है क्या होगा. चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के रूट्स का डिफरेंस जो है 2 है. तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 2. अब लिखते हैं बाई स्क्वायरिंग, बाई स्क्वायरिंग, यानी हो जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 2 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है. यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू में 4. यहाँ देखिए इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर माइनस 2 अल्फा बीटा यह है इक्वल टू 4. अब देखिए यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इक्वल टू में 4. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस का ए ना, माइनस का ए है, हो जाएगा माइनस का ए का स्क्वायर और माइनस का 4. अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, 8 है. ठीक है, तो यहाँ पर 8 इक्वल टू 4, ए स्क्वायर माइनस का 32 इक्वल टू में 4, ये जाकर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू में 36 स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा प्लस माइनस, ए इक्वल टू में प्लस माइनस 6 हो जाएगा. समझ गए. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए.